सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको मिनी चांदनी के प्लांट को केयर करने का प्रोसेस बताने वाला हूं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लावर कैसे लें और फर्टिलाइज़र इनको कैसे दें, कितना वाटर दें, इनको कितना टाइम के लिए सनलाइट चाहिए, तो इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। और इस प्लांट को हम हरा भरा, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा प्लांट दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटे से पॉट में, लगभग 12 इंच के पॉट में लगा है ये प्लांट और इस पर बहुत सारी ब्लूमिंग आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका प्लांट इसी तरह ब्लूम करता रहे और हमेशा उस पर फ्लावरिंग होती रहे, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। आप पूरी जानकारी अगर पाना चाहते हैं और इसको हरा भरा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग वाला, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही चांदनी का प्लांट है जिसको मैंने 2 साल पहले कटिंग से ग्रो किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप कटिंग से इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने मिनी चांदनी के अलावा बड़ी चांदनी का भी प्लांट लगा रखा है, उसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था, तो उस पर भी मैंने कई सारी आपको वीडियो दे रखी है। दोनों ही चांदनी के केयर का बिल्कुल सेम टू सेम वे होता है। आप किसी भी चांदनी को अगर केयर करने का प्रोसेस सीख रहे हैं तो अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो दोनों ही चांदनी के प्लांट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर ले पाएंगे। चांदनी का प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है, इस पर आपको हमेशा फ्लावर मिलते रहेंगे, जैसा कि आपको मेरे प्लांट पे दिखाई दे रहा है, बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारी फ्लावर हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इनको लगभग 8 घंटे की आपको सनलाइट ज़रूर से देना है। लगभग 8 घंटे तक जब इनको आप सनलाइट देते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इनको शेड एरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो आप इनको बिल्कुल भी शेड वाली जगह पर मत रखिए। बहुत से लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे चांदनी के प्लांट पे जो है फ्लावरिंग नहीं होती है और उनकी पत्तियां पीली पड़ के झड़ने लगती हैं, तो इसका 2 से 3 कारण होता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपने इसको या तो बिल्कुल शेडी एरिया में रखा है, या तो इनको बिल्कुल आपने इतना ज़्यादा वाटर दे दिया है कि इनकी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर कर रही है, जिससे इनका जो पत्ती हैं वो पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती हैं, प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और धीरे धीरे करके हमारा प्लांट सड़ के ख़राब हो जाता है। तो अगर इनकी मिट्टी की हम बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने इनकी बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है ड्राइनेस टाइप की रखी हुई है। इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, बस हल्की सी नमी रहे तो वो ठीक है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इनकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी आसानी से तुरंत निकल जाए। आप इनको अगर गर्मी का मौसम ज़्यादा है तो 2 टाइम वाटर दे सकते हैं सुबह शाम, लेकिन अगर इनमें पानी स्टोर हो रहा है, बारिश का मौसम है, तो बिल्कुल भी इनको पानी मत दीजिए। बारिश के मौसम में अगर लगातार 6 से 7 दिन बारिश होती रह जाए और उस तरह से प्लांट डायरेक्ट बारिश के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो इनकी पॉट की मिट्टी जो होती है वो हमेशा नमी बनाए रखेगी, जिससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इनको हमें पानी से बचाना है। बारिश का पानी इन प्लांट के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन अगर इनके पॉट में ज़्यादा देर तक पानी रुका रहा तो उसके कारण इनमें पीलापन आने लगता है और कुछ ब्रांचेस काली पड़ के सड़ना शुरू हो जाती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें इनको ज़्यादा पानी नहीं देना है। चांदनी का प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, इसमें हमेशा फ्लावर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फ्लावर की बात करें तो वो आपको बारिश के मौसम में और बारिश के बाद जो सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना होता है उसमें बहुत सारे आपको ब्लूमिंग आपको देखने को मिल जाती है और आपको कलियाँ भी बहुत सारी आती हुई दिखाई देंगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आपके यहाँ विंटर ज़्यादा पड़ने लगे
और कोहरा भी ज़्यादा गिरने लगे तो आपको इन चीज़ों से इस प्लांट को बचाना है, क्योंकि जाड़े के मौसम में ये अपनी ग्रोथ बिल्कुल रोक देते हैं और अपनी पत्तियों को धीरे धीरे करके गिराना शुरू कर देते हैं। तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्लांट को विंटर के फॉग से बचाने की ज़रूरत है। मिनी चांदनी की अगर कटिंग की बात करें तो आप इनकी कटाई तब करिए जब इन पे बहुत सारी जो फ्लावरिंग हो चुकी हो और इस पे लगे कि आपको फ्लावर अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, बड्स नहीं आ रही है, तो अब उस स्थिति में आपको इनकी कटाई कर देना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो मिनी चांदनी होता है बहुत ज़्यादा घना होता है, इनकी पास पास छोटी छोटी लीफ होने के कारण आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक इसको गोल राउंड ट्री का शेप दे रखा है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आप इनकी कटिंग करने के साथ ही साथ अगर सितंबर अक्टूबर के महीने में इनकी कटिंग को ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो कटिंग लेनी है वो एक मैच्योर ब्रांच लेनी होगी जिससे ये अच्छे से ग्रो करेगी। जब हम प्लांट को पॉट में लगाते हैं तो हमें उसकी देखरेख थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वो ज़मीन में ना होकर पॉट में होता है तो उसको समय समय पर हमें खाद और समय समय पे उसकी कटाई छटाई और जितने भी इनकी सूखी हुई लीव्स होती हैं उनको हटाना पड़ता है, ताकि जो प्लांट की एनर्जी है वो ख़राब पार्ट की ओर ना जा करके इनकी जो न्यू ब्रांच हैं, न्यू लीव्स हैं और न्यू बड्स हैं उनकी ओर जाएं, जिससे हमारा जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा घना रहेगा, चमकीला रहेगा और उस पर बहुत सारे फ्लावर और कलियाँ आपको आते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। अगर आप मिनी चांदनी के प्लांट को नर्सरी से परचेज़ करके लाते हैं और इनको आप पॉट में लगाने को सोच रहे हैं तो उसके लिए आप दो तरह से पॉटिंग मिक्स को तैयार कर सकते हैं। एक तो आप 30% गोबर की खाद और 70% सॉयल मिक्स ले सकते हैं, और दूसरे में आप 30% गोबर की खाद, 50% सॉयल और 20% सैंड का मिक्सचर ले सकते हैं। तो दोनों तरह के ही आप पॉटिंग मिक्स में इनको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप गोबर की खाद ले रहे हैं वो पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए, बहुत अच्छे से मतलब सड़ी हुई होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरह का नमी नहीं होनी चाहिए और भुरभुरापन होना चाहिए, जिससे उसमें पानी कंटेन नहीं होगा और हमारा जो चांदनी का प्लांट है अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है तो गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। मिनी चांदनी की ग्रोथ अच्छी हो उसके लिए आपको पॉट में वीक में एक बार ज़रूर से गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने से इनकी जो एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं जो कि बहुत जल्दी रूट बॉन्डिंग का कारण बन जाती हैं, उससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहती है। और गुड़ाई करने से इन प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जो मिट्टी होती है, उसमें एयर के जरिए कई न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जिससे हमारे प्लांट में बहुत ही ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट दिखाई देगा। कई लोगों का सवाल रहता है कि हम मिनी चांदनी या चांदनी के प्लांट के लिए किस साइज़ का पॉट रखें, तो आप इसके लिए मिनिमम 12 इंच के साइज़ का पॉट रखिए, क्योंकि 12 इंच के साइज़ के पॉट में रूट बॉन्डिंग बहुत जल्दी नहीं होती है, आपको एक साल में रूट बॉन्डिंग कम करना होता है। तो रूट बॉन्डिंग का मतलब होता है जब पॉट में बहुत ज़्यादा रूट्स भर जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो छोटी छोटी रूट्स जब बहुत ज़्यादा भर जाती है तो हमारे प्लांट की ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है और उस पर फ्लावर नहीं आता है, तो इसे ही रूट बॉन्डिंग कहते हैं। और रूट बॉन्डिंग को कम करने के लिए हमें पूरे प्लांट को पॉट से निकाल के रिपॉट करना पड़ता है, यानी नई मिट्टी इसमें डाल करके फिर से हमें प्लांट को लगाना होता है उसमें, जिससे हमारा प्लांट फिर से ग्रो करके जल्दी फ्लावर देना शुरू कर देता है। तो आप इनको 6 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन उस छोटे साइज़ के पॉट में लगाने से आपको रूट बॉन्डिंग की समस्या लगभग 2-2 महीने पे देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए आप 12 इंच के पॉट को मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रूट बॉन्डिंग की प्रॉब्लम को डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हिबिस्कस प्लांट को मैंने केयर करने का प्रोसेस बताया था, तो उसमें आपको मैंने रूट बॉन्डिंग को दूर करके दिखाया था, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपके चांदनी के प्लांट की ग्रोथ रुक गई है और उसकी पत्तियां हल्की ग्रीन होके ख़राब हो रही हैं, तो उसके लिए आप डायअमोनियम फॉस्फेट, जिसको DAP के नाम से जाना जाता है, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप चांदनी के प्लांट को बिल्कुल डार्क ग्रीन कर सकते हैं, जैसा कि आपको मेरे प्लांट की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल चमकदार और बिल्कुल डार्क कलर की, और इनकी ग्रोथ भी इनसे बहुत अच्छी हो जाती है। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए आपको लगभग 30 से 40 दानों को लेना होगा, और पॉट की मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आपको स्टेम से दूरी पर चारों ओर इस तरह से दे देना है। इस फर्टिलाइज़र को आपको लगभग 20 से 25 दिन पे एक बार देना है। जब आपके प्लांट की पत्तियां लाइट ग्रीन टाइप की दिखाई दे रही हों, डार्क ग्रीन ना हो रही हों, तभी आप इनका यूज़ करिए, और फिर उसके बाद इसमें आपको पानी डाल देना है।
अब हम जो इस प्लांट में अगला फर्टिलाइजर यूज करने वाले हैं उसका नाम है यूरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी बड़े दाने की यूरिया है, इसके अलावा एक छोटे दाने की भी यूरिया आती है, तो आप इनमें से कोई भी यूरिया का यूज कर सकते हैं। यूरिया के जरिए जो हमारे प्लांट हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेजी से होती है और हमारे प्लांट की हाइट जल्दी बढ़ जाती है, तो आप इनका यूज भी प्लांट में इसी तरह से कर सकते हैं। जैसा कि हमने DAP के लगभग 30 से 40 दानों को 20 से 25 दिन पे दिया है, वैसे ही आपको प्लांट में देना है। हम प्लांट में फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाले हैं वो एक ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसको मैंने घर पे ही तैयार किया है। तो घर में आपके यहाँ जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उनके जो छिलकों को कलेक्ट करके आप किसी कंटेनर में वाटर में डुबा करके रखिए और लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आप यूज़ करेंगे तो इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा। तो आपको प्लांट में लगभग 10 से 12 दिन पे इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने का अगर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। तो अगला हमारा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो है गोबर की खाद, जिसको काउडंग फर्टिलाइज़र कहा जाता है। तो आपको कुछ इस तरह का गोबर की खाद लेनी है जो पूरी तरह से सड़ी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें किसी तरह की नमी नहीं है और बहुत ज़्यादा भुरभुरापन है, काफ़ी मुलायम है आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की आपको गोबर की खाद लेनी है। इस तरह की गोबर की खाद में बहुत ज़्यादा पानी भी कंटेन नहीं होता है और हमारे प्लांट को जो न्यूट्रिएंट है वो भी अच्छे से मिल जाता है। तो आपको अपने प्लांट में लगभग इतनी सी ही मात्रा गोबर की खाद की लेनी है और लगभग 30 दिन पे एक बार आपको अपने प्लांट में ज़रूर से इतनी सी फर्टिलाइज़र देना है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। पॉट में गोबर की खाद देने के बाद आपको पॉट में इस तरह से पानी दे देना है। आप प्लांट को जब भी फर्टिलाइज़र दीजिए तो मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम ही दीजिए, क्योंकि नून टाइम में ये अपने फूड का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम अगर आप इनको फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। मैंने आपको जितने भी फर्टिलाइज़र बताए हैं उनका यूज़ आपको अलग अलग ही करना है, एक ही साथ नहीं करना है, क्योंकि हमारे प्लांट पे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ भी प्लांट को हार्म पहुंचाता है। तो मिनी चांदनी के प्लांट को केयर करने का ये जो मैंने प्रोसेस बताया है और फर्टिलाइज़ करने का, ये दोनों ही प्लांट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो बड़ी वाली चांदनी होती है उस पे भी आपको यही सेम प्रोसेस करना है, उस तरह से आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहता है। आप देख सकते हैं मेरी जो बड़ी वाली चांदनी का प्लांट है उस पे भी आपको बहुत सारे फ्लावर और बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और उनकी ग्रीनरी में भी कमी आपको नहीं दिख रही होगी। तो आप देख सकते हैं जब आपके प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर ब्लूम होते हैं और रात में अगर इन पे हल्की सी रोशनी पड़ती है तो ये बिल्कुल स्टार की तरह जगमगा उठते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इन प्लांट को गाय भैंस जैसे जानवर चरते नहीं है, तो ये प्लांट बाहर आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने घर के सामने थोड़ी सी जगह अगर है तो आप वहाँ भी इनको ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर प्लांट होते हैं ये। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप मिनी चांदनी के प्लांट को केयर करके बहुत सारे इन पे फ्लावर ले सकते हैं। और आपका अगर इससे कोई भी रिलेटेड और भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।